कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो कितना कार्य किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग को बनाना है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बना ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा आप लोग को मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का ये गुण होता है, वैद्युत बल रेखाओं का ये गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएँ धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो ये हो गया आपका धनावेश, और यहाँ पर हो गया ऋण आवेश, ये हो गया माइनस। ठीक है, आइए उसके बाद यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, जिसका नामकरण कर दे रहे हैं हम, इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए, और ये हो गया पी, और इस पर हो गया प्लस क्यू आवेश, ध्यान से समझिएगा, और इस पर हो गया माइनस क्यू आवेश। इतना फिगर आपको समझना है और इस फिगर को लिखना ही पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। आप लोगों को मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो ई होता है वो सदिश राशि होता है। तो कैसे इस फिगर को लिखा जाता है, फिगर लिखेंगे जब तक नहीं आपको अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। आपको फिगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एकदम कंसेप्ट समझ कर लिखना है। देखिए कैसे इस फिगर को लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में, देखिए उपरोक्त संलग्न या निम्नलिखित इन तीनों पॉइंटों का प्रयोग कब किया जाता है। देखिएगा, जब फिगर ऊपर बनाया है और नीचे से लिखना शुरू किए हैं, यहाँ से ध्यान समझिए, अगर यहाँ से लिखना आप शुरू किए हैं और फिगर ऊपर बनाया है तो लिखेंगे उपरोक्त चित्र में। यदि फिगर नीचे है और आप ऊपर लिख रहे हैं तो लिखेंगे निम्नलिखित चित्र में। अगर जो ये चित्र है वो इस साइड है या इस साइड से लिख रहे हैं या इस साइड से, तो वहाँ पे लिखा जाता है संलग्न चित्र में। तो ऐसे नहीं है कि बिना मतलब का कुछ भी लिख दीजिए कि फिगर नीचे है लिख दीजिए कि उपरोक्त चित्र में, या फिगर कहीं भी है निम्नलिखित चित्र में। इसका नियम होता है फिगर नीचे ऊपर लिखेंगे निम्नलिखित, अगल बगल रहेगा संलग्न, अगर जो फिगर ऊपर है और नीचे लिख रहे हैं तो उपरोक्त चित्र में लिखा जाता है। तो इसको समझ लीजिए। इसका थ्योरी और जो भी नोट्स हैं मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल डेरिवेशन कराऊंगा। अगर जो नोट्स चाहिए आपको तो कमेंट करके जरूर ये बताइएगा आपको नोट्स चाहिए, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा आप। देखिए तो कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र ई प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी उपस्थित है जिस पर क्रमशः प्लस क्यों तथा माइनस क्यों आवेश उपस्थित है। और आप लोग को मालूम है कि द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2L। द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वो का मध्य बिंदु O होता है और इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। अब क्या समझना है, देखिए जब ये प्लस क्यों है और यहाँ पर भी प्लस क्यों है, यहाँ माइनस क्यों है, यहाँ भी माइनस क्यों है, तो कन्फर्म है कि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। तो जब यहाँ पर कितना बल लगेगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, तो बल लगेगा यहाँ F इजिकल टू क्यू इंटू ई के बराबर, और उतना ही यहाँ बल लगेगा क्योंकि द्विध्रुव पर आवेश का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ भी आपका बल लगेगा F बराबर क्यू इंटू ई, यहाँ भी बल लगेगा। तो बल जब लगेगा तो द्विध्रुव घूमने का प्रयास करेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि द्विध्रुव जो है घूम करके और इस पोजीशन पे चला गया, ऐसे चला गया थोड़ा सा, अब घूमेगा, अगर जो मान लीजिए यही मार्कर है तो ऐसे है, इसको घुमाएंगे तो थोड़ा सा इसका ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, इधर खसक जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, तो यहाँ से ये पॉइंट ए से मान लीजिए चला गया ए डैश पे, यहाँ पे इसको ए डैश मान लीजिए, और ये बी से चला है यहाँ पे बी डैश पे, ध्यान से समझिएगा। तो ये वाली दूरी पहले भी 2L थी, अब भी 2L ही रहेगी, तो ये वाली दूरी तो पूरी की पूरी 2L हो गई। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमको कार्य निकालना है, याद रखिए। तो कार्य निकालने के लिए आपको दो चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो चाहिए आपको बल और दूसरा चाहिए विस्थापन यानी दूरी। तो अब देखिए कितना इसका विस्थापन हुआ है, तो ये विस्थापन हमको नहीं लेना है, ये वाला हमको विस्थापन ये वाला लेना है, इधर वाला कि विस्थापन कितना हुआ इसका। ये फिगर हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया यहाँ प्लस क्यों और ये हो गया आपका माइनस क्यों। जब ये विस्थापित होगा इस साइड से तो मान लीजिए यहाँ पे ये चला गया ए डैश पे, ए से चला गया ए डैश पे, और यहाँ बी से आ गया आपका बी डैश पे। तो हमको ये विस्थापन नहीं देखना है, विस्थापन हमको यहाँ से ऐसे देखा जाता है, क्षैतिज विस्थापन देखा जाता है कि क्षैतिज विस्थापन कितना हुआ। देखिए तो ये वाली दूरी तो पूरी 2L है, अगर जब मध्य बिंदु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इसके घटक में वियोजित करेंगे। तो जब L को इसके घटकों में वियोजित करेंगे तो यदि थीटा डिग्री विस्थापित हुआ है तो ये जो इसका नीचे वाला घटक हो जाएगा इतना, ये वाला पॉइंट, इसको O मानो, तो इसको हम कह सकते हैं ये होता है आपका L cos थीटा, याद रखिए
एल का क्षैतिज घटक हो गया एल का थीटा, इसी प्रकार इसका भी क्षैतिज घटक हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका एल का थीटा। अब देखिए विस्थापन कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट को यदि सी मान लें, इस पॉइंट को यदि हम डी मान लें, तो विस्थापन कितना हुआ, तो पहले पॉइंट ए पे था, अब इसका जो क्षैतिज विस्थापन हुआ वो सी पे चला गया, तो विस्थापन कितना हुआ, पूरी ए लंबाई हो गई एल, एल में से एल का थीटा घटा देंगे तो हमको विस्थापन मिल जाएगा। याद रखिए यदि पूरी एल में से इसका जो क्षैतिज घटक है एल का थीटा यदि इसको घटा दिया जाए तो ए और सी और बी और डी दोनों का मान बराबर आएगा, याद रखिएगा, तो दोनों का जो विस्थापन है वो मिल जाएगा। तो देखिए बल तो यहाँ से मिल चुका है, अब ये कहाँ से मिलता है बल, तो बल मिलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू जीरो, यहाँ से आप बल निकाल सकते हैं, तो बल तो मिल गया, विस्थापन कितना हुआ याद रखिए, तो विस्थापन जो होगा आपका वो हो जाएगा ए डी या बी सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये किसके बराबर हुआ, तो पूरे इस लंबाई में से इस लंबाई को यानी एल का थीटा को घटा देंगे तो विस्थापन हमारा ए सी और बी डी दोनों चूंकि बराबर है तब मिल जाएगा, तो क्या होगा एल में से हम एल का थीटा को घटा देंगे, ठीक है ना, जब एल में से एल का थीटा को घटा देंगे तो विस्थापन मिल जाएगा आपका ए बी बराबर बी सी इजकल टू एल माइनस एल का थीटा। अब इस फिगर का काम खत्म, देखिए तो दो बल है और दो विस्थापन है, तो लिखेंगे यहाँ से, देखिए हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। देखिए तो W इजकल टू आप लोग को मालूम है दो बल लगा है, यहाँ भी बल लगा है Q इंटू ई के बराबर, यहाँ भी बल लगा है Q इंटू ई के बराबर, विस्थापन भी आपका दो है, तो पहला बल हो गया Q इंटू ई और विस्थापन हो गया L माइनस एल का थीटा, दूसरा भी बल उतना ही होगा Q इंटू ई और विस्थापन हो गया L माइनस एल का थीटा। अब देखिए दोनों पद एक ही है तो दो से गुणा करा दीजिए, तो ये दो से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका दो जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2Q इंटू ई और ये हो जाएगा L माइनस एल का थीटा। अब L यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q L इंटू ई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि L आप कॉमन ले चुके हैं। ध्यान दीजिए वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण में हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण में P बराबर होता है 2Q L, यहाँ से लिख सकते हैं इसका मान W इजकल टू पी इंटू ई, टू पी इंटू ई वन माइनस कॉस थीटा, याद रखें सॉरी यहाँ पी इंटू ई रहेगा क्योंकि टू क्यू एल की जगह पे हमको क्या लिखना है, पी लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया सूत्र हमारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, याद रखिए ये हो गया सूत्र वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ से इसको नोट डाउन यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि होता है पी बराबर टू क्यू एल, ठीक है, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र का निगमन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए।